इन दिनों राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान जूली ने भजनलाल सरकार पर कई आरोप भी लगाए। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए जूली बोले कि रोज नए नियम लागू करने से आम आदमी का जीवन कठिन हो गया है। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार राजस्थान की जनता का खून चूस रही है और गरीब मजदूर किसान फ्यूल सरचार्ज में छूट न मिलने से परेशान है। जूली आगे बोले कि सरकार दलित, आदिवासी और पिछड़ों के हक में नहीं है। ओबीसी वर्ग को मिलने वाली पुलिस में 5 साल की छूट को भी निरस्त कर दिया गया। सरकार का काम जनता को राहत देना होता है, लेकिन ये सरकार राहत वापस ले रही है। जूली बोले कि उनकी राजनीति हमेशा से साफ सुथरी रही है और उन्होंने कभी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनका भेद सिर्फ अमीर और गरीब में है। जहां अमीर अपने संसाधन जुटाने में सक्षम होता है, वहीं गरीब किसान मजदूर सक्षम नहीं होता। जूली ने बजट को प्रदेश की जनता के हित में नहीं बताया और कहा कि सरकार के 8 महीने में कोई भी निर्णय जनता के पक्ष में नहीं आया है। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।